कई मांगों को लेकर भाकपा माले की तरफ से 15 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम है। आप लोग 15 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय अभियान चलाने वाले हैं, किस चीज़ को लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए। एसटी एससी सब प्लान को सख्ती से लागू कराने के लिए और नए कानून बनाने के लिए हम लोग 15 से 30 सितंबर तक पूरे राज्य में अभियान चलाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो राज्य के खेत मजदूर संगठन है और जितने दलित संगठन है, सभी संगठनों ने मिल करके एक समन्वय समिति बनाया है और इसके द्वारा हम लोग पूरे बिहार में 15 दिनों तक ये प्रचार चलाएंगे, दलितों के बीच में चलाएंगे और उनको एकजुट करेंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि एससी एसटी सब प्लान को सख्ती से लागू करो और उस पर जो कानून बनाओ ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इसी देश में दक्षिण के राज्यों में एससी एसटी सब प्लान के तहत कानून बनी है और बड़े पैमाने पर एससी एसटी के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं बड़े पैमाने पर, जिसमें इनको काफ़ी सुविधा मिलती है और लोग काफ़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा हासिल हो रहा है। तो हम उसी के तौर पर बिहार में भी एससी एसटी सब प्लान को लागू कराने के लिए ये बिहार में आप लोग मांग चला रहे हैं, बिहार में ये मांग करें कि एससी एसटी सब प्लान लागू हो। जी, और नया क्या चाह रहे हैं आप लोग एससी एसटी? हाँ, एससी एसटी कानून में आप लोग नया क्या चाह रहे हैं? आपने बोला कि हम लोग नए सिरे से कानून बना। हाँ, अभी कानून नहीं बनी है। हाँ, अभी ऐसा ही कुछ कल्याण के काम हो रहे हैं। हम बजाबता उस पर कानून बना देना चाहते हैं कि एससी एसटी को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं हो, उनके ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारियों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई हो। आज उनके आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार ने ही जो जातीय आर्थिक सर्वे कराया, उस सर्वे में क्या आया है, उसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनके 6,000 मासिक आय है या उससे कम है, यानी ये 200 रुपया प्रति दिन उनकी आय है और एक परिवार 200 रुपया में कैसे इस महंगाई के युग में चलेगा। ये 65% है जो आंकड़ा आप बोल रहे हैं, ये 65% है, 6,000 से जो आय जो है उनके 65% ऐसे परिवार है जिनके इनकम 6,000 प्रति माह। नहीं नहीं, गलत बात हम नहीं बोलेंगे। उन लोगों का जिनका 6,000 या 6,000 से कम मासिक आय है उनकी संख्या बिहार में 94,40,000 कुछ है, जो सर्वे के रिकॉर्ड में दर्ज है। हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि उसमें अधिकतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, इसलिए आपने कहा कि अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और भी समुदाय के लोग हैं और उन लोगों के लिए भी अति पिछड़ा के भी हैं, अति पिछड़ा के हो चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी जाति से हो। जाति से नहीं, मैं आप उस पर आते हैं कि कुछ और जाति के लोग हैं, मैं मुझसे पूछिएगा तो मैंने देखा है कि उसमें कुछ सवर्ण लोग भी हैं, सवर्ण लोग भी हैं, तो उनके लिए तो एक तो सरकार ने घोषणा की जी ये सर्वे के बाद कि ऐसे परिवारों को हम जल्द से जल्द 2,00,000 रुपया देंगे ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। फर्स्ट किस्त 50,000, सेकेंड किस्त 1,00,000 और थर्ड किस्त
50,000, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया, अभी सरकार ये आवंटन नहीं दे रही है, लोगों को नहीं दे जा रहा पैसा। तो ऐसे स्थिति में हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में ये अभियान चला रखी है, हमने नारा दिया है हक दो वादा निभाओ, हम लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि आप जल्दी 2,00,000 रुपया इन गरीबों को दें। इस अभियान के इतर अगर एक टॉपिक छिड़ें तो बात करें, अभियान के इतर अगर बात करें तो भोजपुर में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, स्थानीय जो सांसद हैं उनका एक बड़ा बयान था, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि वहाँ मुख्यमंत्री के जो गार्ड थे वो मुख्यमंत्री जी से भेंट करना चाहते थे सांसद, और उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यही तो बात थी और यही बात हमने बोल रहा था कि ये शासन प्रशासन में, राजनीति में, ये संसदीय मामले में ये एक प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल सबको निभाना पड़ता है, अनुपालन करना पड़ता है। हम हो या कोई हो, पीएम सीएम सबको भी वो पालन करना चाहिए, अपड़ता है। सुदामा प्रसाद जी को हम कह रहे हैं कि सुदामा प्रसाद ने इसका अनुपालन बड़ी बेहतर तरीका से किया कि जब उनको पता चले कि हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उन्होंने बजप्ता एक गुलदस्ता लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में उन्होंने चल दिया। यही होता है संसदीय परंपरा में, और वो गुलदस्ता दे करके स्वागत अपने क्षेत्र में करना चाहते थे, तब तक उनके अंगरक्षकों ने उन्हें धक्का दे करके अलग कर दिया। तो मैं अंगरक्षकों पर कोई सवाल नहीं कर रहा, मेरा सवाल यह है कि 4 डिग्री के दूरी में ही हो रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में ही सब हो रहा था, उनको बोलना चाहिए था कि अरे भाई सांसद हैं उनको आने दीजिए, वो कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात नहीं कही और एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद जिन्होंने सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए उनका स्वागत करने जाता है और उस घड़ी में उसके साथ यह अपमानजनक व्यवहार होता है, तो यह संसदीय मोर्चे पर यह एक धब्बा है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द आरा के सांसद, माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी से फिर से बात करनी चाहिए ताकि हमारी परंपरा साफ रहे, बनी रहे। जी ये देखिए, ये तो परंपरा की बात हुई, परंपरा बने रहे। भोजपुर में कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे शिरकत करने के लिए, जिसमें स्थानीय सांसद सुदामा प्रसाद भी पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की हुई तो इन्होंने साफ तौर कहा कि ये मात्र 4 डेग की दूरी पर ये घटनाएं हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अनदेखी किया। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, और उसके बाद 15 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा भाकपा माले की तरफ से, SC ST सब प्लान सख्ती से लागू हो और सरकार के विरुद्ध ये अभियान रहेगा 15 दिन का। मेरा इस खबर में इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।